सर भी हम भी पीटेंगे चेन्नई सुपर किंग बेवकूफ। दुनिया में क्यों है ऐसे लोग? आई मीन सीरियसली, ढिंचक पूजा सैड। जीतेगी भाई जीतेगी CSK, जीतेगी जीतेगी भाई जीतेगी CSK, जीतेगी। माय शेयर वुड बी हू? आई फील शी इज डूइंग समथिंग दैट इज बेस्ट ऑफ हर क्वालिटी, बट व्हाई पीपल आर सो इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स? इट शुडन बी दैट इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू लुक आउट फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोज। शी इज बीन डूइंग हर वर्क, it's her business, right? So I feel it's none of us to think about what is our reaction on her video. Oh, बस मैं यही पूछना चाहूँगी, क्यों बहन, क्यों इतना तकलीफ, क्यों? खैर, आज चेन्नई सुपर किंग्स बहुत अच्छा कर रही है, तो मैं चाहूँगी, मेरे ख्याल से ये एक काला टीका होगा कि उनको किसी की नज़र ना लगे। चेन्नई ख़त्म भाई, चेन्नई ख़त्म। अबे क्या गा दिया भाई, किससे गवा दिया, टाइटल गया बहन, जो टाइटल गया भाई, गया बर्बाद, चेन्नई सुपर किंग बर्बाद। ढिंचक पूजा न्यू म्यूजिक वीडियो, ओके, आई लव हर नॉट बिकॉज ऑफ हर म्यूजिक बट बिकॉज ऑफ हर एंटरटेनिंग स्किल्स। The way it makes you laugh is amazing. If you're very very sad or if you want someone to make you laugh, you can every time go watch her music video, which is apparently a comedy video. So yes, that is what I think about Dhinchak Pooja's music. I hadn't heard of her in a long time, but yesterday I saw this video on Instagram before seeing it here. And I feel that she hasn't changed her habit of using a lot of autotune. But I saw one of the videos in which the person said that why are people so much interested in Dhinchak Pooja? Well, I feel that most people want somebody who is inferior to them so that they can laugh at him and feel good about their lives. So Dhinchak Pooja is one of these examples. But I feel if she is following her passion, then there's nothing wrong about it, and if I can support her in any way, I would do so. But certainly her videos are really funny. Well, I would say stop making her more famous than already she is. Dhinchak Pooja is new music. अच्छा सर, ये बड़ा गलत किया है आपने, ये सब खतरनाक है। पहले मैंने सोचा भी ओपिनियन देखते हैं, और सिंस इसमें प्रीव्यू नहीं आ रहा था, मैंने आपके ओपिनियन पे क्लिक किया। उसके बाद पता चला कि क्या चल रहा है, उसको सुनने के बाद चला मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। भगवान उठा ले रे बाबा, उठा ले सस्ते में, उठा ले मेरे को, नहीं रे बाबा। ये ऐसे वीडियो जो मतलब बना रही है ढिंचक पूजा, मतलब उठा ले, मतलब उसको दिमाग से भूत उठा ले, बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार, रोना आ रहा है। बस कहीं ना कहीं दिल में खुशी भी है कि आमखे क्या आता है। सो अच्छा, ओके, के फैन नहीं है, सीएसके फैन है।